सोनी भैया, बाबा के घर जाकर इस गर्मी में आइसक्रीम खाने में बहुत मजा आएगा। अरे हाँ मोनी, इसीलिए तो बाबा ने हमें आइसक्रीम पार्टी पे बुलाया है। अरे ये क्या, रास्ते पे इतना बड़ा पेड़ किसने गिरा दिया? मुझे तो लगता है हमें रोकने की साजिश है किसी की। हाँ भैया, ये तो सोचने वाली बात है कि बिना बारिश और हवा के आखिर इतनी बड़ी पेड़ गिरा तो गिरा कैसे। हाँ तुमने सही समझा, मैं तो इसी वक्त का इंतजार कर रही थी कि तुम लोग गिरा हुआ पेड़ को देख कर रुको और मैं तुम लोगों को आसानी से पकड़ कर अपना खाना बना सकूं। ओ इविल नन, तू शायद जानती नहीं कि मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट चैंपियन रह चुका हूँ। अच्छा, मैं भी तो देखूं कितना दम है तुझ में। टोनी भैया, ये इविल नन तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, आप इससे लड़ तो पाओगे ना? तुम डरो मत मोनी, बस तुम देखती जाओ मैं कैसे इस इविल नन की हड्डी पसली तोड़ता हूँ। इविल नन, तूने मेरा इम्पोर्टेंट बाइक जलाकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे ओबड़े भैया, कहाँ चले? वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अले अले भैया, आप इतने प्यार से बोलोगे तो लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। ये तो उनको लाइक करते हैं ना जो माँ की कसम देते हैं और भगवान की कसम देते हैं। अरे मोनी, ऐसी बात नहीं है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है। ये लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे,